माधव त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये उभे राहून नमाज पढताय. पाण्यामध्ये उभे राहून सगळे नमाज पडत होते. आणखी काय पाहिजे आम्हाला? मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावर जर आज सगळ्या जाती धर्माचे लोक एकत्रित येत आहेत आणि असा मुख्यमंत्री होणे नाही असं बोलताय, आणि ज्यांची ज्यांची भाग आमच्या पाठरत पडली की आम्हाला जास्त स्फूर्ती येते अशी आमच्या मुस्लिम बांधव ज्यावेळेस आमच्या पाठरत आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीत हात टाकतात त्यावरच आमच्या लक्षात येईल, सगळ्या विरोधकांच्याही लक्षात येईल की शिवसेना कधी राजनीती करत नाही तर शिवसेना समाजनीती करते, शिवसेना कधी जातपात मानत नाही तर शिवसेना ही फक्त माणुसकी हीच एक जात मानते आणि कार्य करते, हे मग अशी मला सांगायची. धन्यवाद. हमारे साथ हैं शिवसेना उपनेते स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यशवंत जाधव. सर, शिवसेना पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बढ़ चढ़ के लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब और पर्यावरण मंत्री और महाराष्ट्र के युवा नेता शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे जी, क्योंकि आज उनका जन्मदिन का मौका पाकर आज यहाँ पर हम लोग एक ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन किया हुआ है और सभी लोग इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है कि आज ये कोरोना के चलते हुए हमें जो खून की कमी आ रही है तो इस खून की कमी के लिए हमको खून देना है. और मुझे यही कहना चाहूँगा कि शिवसेना हमेशा 80% समाजकरण और 20% राजकारण देखते हुए माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया हुआ हमको आज वो नजर के सामने रखते हुए आज हमने ये शुरुआत की है. आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है उसको देखकर आज यहाँ पर जो बड़ी तादाद में हमारे रक्तदाता जो रक्तदान कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि शिवसेना कोई राजनीति नहीं करती है, शिवसेना कोई इलेक्शन नहीं लेती है. बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्शन आने के बाद में ऐसे प्रोग्राम लेते हैं, पर शिवसेना अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम ले रहे हैं. इसकी वजह एक ही है कि हम समाज के प्रति बंधे हुए हैं और समाज को जो हमारा समाज का जो ऋण हमारे के ऊपर है, जो कर्जा हमारे पर है, वो कर्जा हमेशा रहेगा. हम मरने तक ये कर्जा कभी हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं और उसी के लिए आज हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे. इस लोगों को जो जो चाहिए वो राहत देने का काम जरूर शिवसेना जो आज तक करते आई इसके आगे भी करते रहेंगे. सर, यशवंत जाधव में देखा गया इतना पावर, इतना स्ट्रीमेंट पावर कहाँ से आता है? क्या वो कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले मातोश्री के दर्शन लेते हैं या 40 साल पहले वंदने वाला साहब ठाकरे ने आपको जो आशीर्वाद दिए थे उसका असर है? बाला साहब ठाकरे जी का तो आशीर्वाद है, महाराष्ट्र के सभी दैवतों का भी आशीर्वाद है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी का भी आशीर्वाद है, सभी इस मुंबई में रहने वाले महाराष्ट्र में रहने वाले जिन्होंने आज शिवसेना को हमेशा भर भर के जो प्रेम दिया है वो सभी का आशीर्वाद है. उनके आशीर्वाद के जरिए हम लोग कार्यकर्ता बनकर शिवसेनक बनकर एक जब काम करते हैं. हमारे साथ हैं लोकप्रिय आमदार यामिनी यशवंत जाधव. मैडम, शिवसेना में ये देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन किया जाता है, इस पे आज आप क्या कहेंगे? जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है गए 1.5 साल से, इसमें बहुत जगह हम लोगों को खून की कमी महसूस होती है, तो ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपील किया था, तो हर बार उनके अपील के हिसाब से हम ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करते हैं. स्पेशली जुलाई में जब उनका 27 जुलाई बर्थडे आता है तो शिवसेना के लिए वो दिवाली होती है, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से हम वो उस तरह नहीं मना पा रहे जैसे उनको मिलना, उनको बधाई देना. तो हर साल जैसे हम रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, इस साल भी हमने किया हुआ है. हर वार्ड के थ्रू अलग अलग कैंप रखे हैं, क्योंकि साथ में रहेंगे तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए यही सब रक्तदाताओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दुआएं दी जा रही है और भरपूर भरघोस दुआएं मिल रही है.
भाईखला विधानसभा में कितने एरिया में कितने वार्ड में मैडम ये रखा जा रहा है? पहले तो 7 और 10 में हुआ था, 207-210 में, और आज 18 तारीख को वो दो वार्ड में हुआ था, आज 25 को 209, 208, 212 और 211 में हो रहा है, और हर जगह रिस्पांस उतना ही है, बल्कि हमने टाइम बढ़ाया है, हमने वो जो भी जहाँ से जितने भी रक्त पेढ़ियाँ आई हैं उनको हमने बैग्स बढ़ाने को बोले, क्योंकि उस तरह से रिस्पांस आ रहा है। मैडम एक टैप था जो शिवसेना पार्टी ने जो रक्तदान शिविर हुआ था, वन डे वन टाइम 25,000 बोतलें क्रॉस हुई थी, अब आपको पेंडेमिक की वजह से आपको क्या अंदाजन क्या लग रहा है? नहीं नहीं, वो जो आप 25,000 की बात कर रहे हैं वो तो 11 नंबर विभाग का था, कलेक्टिवली था, लेकिन लास्ट टाइम हमने पेंडेमिक में भी जब किया था तो 1,000 क्रॉस किया था भाईखला विधानसभा ने, इस बार 1,000 से भी आगे जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने शिवसैनिकों पे और रक्तदाताओं पे। हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यशवंत यादव के पीए बबन भाव। बबन भाव, आज आप भी ब्लड दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं 15 या 16 टाइम हो गया है ब्लड दे के, 1943 ईयर का था तब से दे रहे, अभी मेरा एज है 57। उन्होंने भी आज ब्लड दिया है, 25 साल का है लड़का, उसने भी दिया। आपको ब्लड देने में कैसा महसूस होता, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को आदत है कि बाला साहब ठाकरे ने सिखाया कि जब भी उनकी जरूरत लगती है तो हम किसको भी देते हैं रखो, साल में 2 बार देते हैं ऐसा। गए साल में यामिनी मैडम ने भाईखला विधानसभा में 20 जून 2020 और 21 दिसंबर 2020 को दो टाइम लिया था, वो दोनों टाइम दिया था, और आज आप तीसरी दफा भी दे रहे हैं। पहले तो जिन्होंने ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि बारिश के सीजन में खून की आवश्यकता बहुत होती है, और ऐसे समय ब्लड डोनेशन कैंप की बहुत जरूरत होती है। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे यांच्या जन्म दिवसानिमित्त महारक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं आहे, मोठ्या प्रमाणात इथे रक्तदात्यांची गर्दी आहे। खरं पाहता मागील 2 महिन्यापासून आपल्याला रक्ताचा खूपच तुटवडा निर्माण झाला आहे, पण या आजच्या या रक्तदानामुळे नक्कीच पेशंटला त्याची मदत होईल, आणि खूप छान प्रमाणात खूप चांगल्या प्रमाणात इथे मॅनेज केलेलं आहे। सकाळपासून महिला वर्गाने पण इथे रक्तदान केलेलं आहे, जे रक्तदान करणारे रक्तदाते आहे त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहून आम्हाला पण खूपच आनंद वाटतोय, कारण सध्या मुंबईमध्ये रक्ताचा अत्यंत तुटवडा आहे, जिथे ए पॉझिटिव्ह ओ पॉझिटिव्ह ब्लड ग्रुप इझिली मिळत होते ते सुद्धा नाही आहे, पण आजच्या या रक्तदानामुळे नक्कीच ब्लड बँकेला पण त्याची मदत होईल। वार्ड क्रमांक 209 में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करिए जा रहा है। आप लोग को पता होगा कि 27 जुलाई को हमारे जो मुख्यमंत्री है, अब इस शिवसेना पक्ष के जो पूर्व प्रमुख है, उनके बर्थडे का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन 27 जुलाई के इस जन्मदिन के अवसर को मद्देनज़र रखते हुए पिछले 8 दिन से पूरे बम्बई महाराष्ट्र के अंदर ब्लड डोनेशन का काम किया जा रहा है, और इसी दरमियान भाईखला विधानसभा के अंदर पिछले 8 दिन से हर शाखा वाइज हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते हुए आ रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि कोरोना की महामारी में हमेशा हम लोगों को ब्लड के लिए कमी महसूस हुई, फिर पेशेंट हो गए, उनके रिश्तेदार हो गए, हमारे जैसे कार्यकर्ता हो गए, उनको काफ़ी लोगों को ब्लड की कमी महसूस हुई, और अब इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शिवसेना के पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री इन्होंने ब्लड डोनेशन लेने का एक संकल्प किया, और जन्मदिन अलग तरीके से मनाने के लिए उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। उस कार्यकर्ता को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया है। पूरे भाईखला में एक अच्छा माहौल ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से है, इतना मैं कहना चाहता हूँ।
और सभी रक्तदाताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। सर ये बताइए कि शिवसेना पार्टी में ज्यादा से ज्यादा रक्तदान किया जाता है, इसका क्या? मैं देखो मैं तो हमेशा का हमारा शिवसेना एक बड़ा कई सालों से गठबंधन है, आपको मालूम है इसको जरूरत लगती मरीज को लड़की पहले अनेक साल आप देख रहे हैं। हमारे साथ है मुश्ताक नाकवा शिवसैनिक, आइए जानते हैं आज हम क्या कहना चाहेंगे रक्तदान शिविर। अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले हमारे उद्धव साहब के बड्डे 27 जुलाई को है, तो कितने शिवसेना पे कितनी शाखा है सब जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है। हमने सब जगह पे कोविड का जो मसला चल रहा है उधर वहाँ पर ब्लड की काफ़ी कमी है और लोग परेशान हैं ब्लड के लिए, सब जगह पे भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, ब्लड नहीं मिल रहा है। तो ये शिवसेना की तरफ से हमारे उद्धव साहब का आह्वान है कि मेरे जो बड्डे उस दिन ब्लड डोनेशन का कैंप हो, तो हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं और हम चाहते हैं कि हर कोई आके इधर ब्लड देवे और जो जरूरतमंद है ब्लड के लिए उसका भला हो जाए।